जितना हमारा परसेंटेज है उतना हिसाब से हमारा वोट परसेंटेज के हिसाब से हमारा हक दिया जाए। योगी यादव को ही होना चाहिए अगर अगर, लेकिन जनता है क्या भले उस हिसाब से जिसका जितना है उसको उतना हक मिलना चाहिए, मिलना चाहिए और परिश्रम भी कर रहे हैं। बिहार सरकार ने जातीय गणना का रिपोर्ट जारी कर दिया है और इस रिपोर्ट के बाद जो है तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पटना के एक यादव बहुल इलाके में जिसे गोरिया टोली कहा जाता है। बगल में रामकृपाल यादव का घर भी है। हमारे साथ यादव समाज के काफी लोग हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे कि अब जो है 14% से ज्यादा आपकी आबादी इस गणना के रिपोर्ट में आया है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ विशाल कुमार यादव। क्या करते हैं आप? हम ठेकेदारी करते हैं। अब तो रिपोर्ट जारी हो गया, काफी समय से डिमांड था कि रिपोर्ट जारी किया जाए। अब 14% से ज्यादा आप लोगों की आबादी है। हम तो यही चाहेंगे कि जितनी हमारी आबादी है उतना ही हमारा भागीदारी मिलना चाहिए, हक मिले। और जो कम आबादी वाले लोगों ने हमारे संसाधनों पे कब्जा करके रखा है वो हमें वापस दिया जाए, उस संसाधन को हम लोग को उपयोग करने दिया जाए। बस यही हमारा इच्छा है कि भाई जितना हमारा परसेंटेज है उतना हिसाब से हमारा वोट परसेंटेज के हिसाब से हमारा हक दिया जाए। इस हिसाब से सीएम किसको होना चाहिए? इस हिसाब से सीएम किसी भी योगी यादव को ही होना चाहिए अगर अगर, लेकिन जनता है जिसको चुने, लेकिन योग्य होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, जो जातिगत काम नहीं करे, लेकिन अपने जो जो संख्या बल है उस पर ध्यान दिया जाए। तेजस्वी यादव की चर्चा हो रही है तो तेजस्वी यादव को बिल्कुल बनना चाहिए, योग है तो बनेंगे। बताइए आपका नाम क्या है? मिथिलेश कुमार। आप लोग की जो आबादी है वो 14% से ज्यादा है जो रिपोर्ट आया है, अब क्या आप चाहते हैं? आप लोग जितना आबादी उस हिसाब से हकदारी हक मिलना चाहिए, जो जो जिसका जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। कितने दिनों से हम लोग का हकमारी किया गया है बताइए। जो कम परसेंटेज वाले हैं उनको कम हिस्सेदारी मिले, जो ज्यादा परसेंट में है उनको ज्यादा हिस्सेदारी मिले। और क्या चाहते हैं अब? किस तरह की जो है जो कयास आप लोग लगाए हुए थे कि हम लोग का रिपोर्ट आएगा तो अब आगे हम लोग के लिए काम होगा, किस तरह का काम चाहते हैं आप लोग? हर क्षेत्र में, हर रोजगार के क्षेत्र में, पढ़ाई में, स्वास्थ्य में, सब जगह हम लोग को भागीदारी मिले, जितना संख्या भले उस हिसाब से जिसका जितना है उसको उतना हक मिलना चाहिए। सीएम कौन होना चाहिए? सीएम किसी योग संख्या बल के आधार पे तो यादव को होना चाहिए। अब अगर तेजस्वी यादव अगर योग है लोग आपको, समझे। आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि वो योग है, अब परिपक्व हो गए हैं, पहले थोड़ा सा अपरिपक्व थे लेकिन अब परिपक्व हो गए हैं, उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए, उनका संख्या बल जो है उस आधार पे। बाद बाकी अपनी जनता देखे, जनता जो जनता जनार्दन है। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार। क्या करते हैं? ठेकेदारी करते हैं। ठेकेदारी करते हैं मिथिलेश कुमार हैं और यादव समाज से और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजीत कुमार यादव। क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब करते हैं। रिपोर्ट जो जारी हुआ है उसके बारे में पता है आप लोगों को? जी। 14% से ज्यादा आबादी है आप लोगों की। जी। क्या लगता है आप, कुछ बदलेगा, परिवर्तन होगा? हम लोग यादव समाज पहले से भी परसेंटेज में आगे रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोग को नहीं मिलता था, अब परसेंटेज में भी हम लोग आगे हैं, मिलना चाहिए। अगर हम लोग हर जगह आगे हैं और आगे रहेंगे, हक भी मिलना चाहिए, लेकिन पहले तो हक नहीं मिलता था, जो कम परसेंटेज के लोग हैं उनको हक मिलता था, इसलिए कि उन लोग का नियम था फूट डालो राज करो, तो हम लोग को बराबर हक नहीं मिलता है, तो अब मिलना चाहिए। अब क्या लगता है सीएम कौन होना चाहिए? सीएम महागठबंधन का जो निर्णय होगा वो सीएम होंगे, संख्या बल के आधार पे हो। तेजस्वी यादव? हाँ बन सकते हैं आराम से, अगर महागठबंधन का, अगर ये सभी लोगों का निर्णय हो कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो बन सकते हैं। आप आइएगा इधर आइएगा, काफी देर से आप घूम रहे हैं, इधर आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? अवनीश कुमार यादव। अवनीश कुमार यादव, क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। आप लोग का रिपोर्ट जारी हो गया है कि आपकी आबादी 14% से ज्यादा है आपके समाज की, क्या लगता है किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं आप लोग? सत्ता में तो परिवर्तन जैसे कि है ही,
लेकिन आदमी हम लोग सोच रहे हैं कि अब जैसे कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो हम लोग सोचे हैं कि अब संख्या बल के आधार पे अब तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब नीतीश कुमार जी भी, अब उनका टर्म 20 साल हो गया है, तब उनको छोड़ देना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। ये पूरा इलाका यादव का है, यहाँ रामकृपाल यादव भी रहते हैं। नहीं ठीक है, रामकृपाल यादव भी हैं, सबकी अपने व्यक्तिगत संबंध है, सबकी पारिवारिक हैं, ऐसा थोड़ी है। नहीं, हम कोशिश करेंगे जो सत्ता है, जो हम लोग जनसंख्या के अनुसार है, उस हिसाब से, जैसे कि अभी फिलहाल डिप्टी सीएम है, तो उनको अब नीतीश कुमार कह चुके हैं कि इनको मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमनीश कुमार यादव। तो तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं ये लोग कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, ये पूरा देखिए जो है खटाल है, और इस इलाके में तकरीबन 2000 से ज्यादा यादव समुदाय के लोग रहते हैं। हम बात कर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम संजय राय, संजय यादव। रोजगार यही है? रोजगार यही है, डेयरी फार्म। आप लोग का जो रिपोर्ट है वो जारी हो गया, आपके जाति के 14% से ज्यादा लोग हैं। देखिए जिस तरह से हम लोग का आबादी है, उस तरह से हम लोग को मिलता कहाँ कुछ। आबादी हम लोग का ज़्यादा है, फिर भी हम लोग को कुछ मिलता नहीं है। मिलता है तो जो कम से कम आबादी लोगों का मिलता है, जिनको आबादी कम है, जिनका सब कुछ कम है, उनको पूरा मिलता है, हम लोग को कुछ मिल में नहीं करता। क्या चाहते हैं आप लोग, चाहते क्या है ये बताइए? हम लोग क्या चाहेंगे, जो कहने का मतलब कि पढ़ाई लिखाई हो, रोजगार मिले, जो योग्य आदमी है उसको सर्विस मिले। मिलता है नहीं, जो योग्य आदमी है वो भी कुछ नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए अब? मुख्यमंत्री तो जो सबको राय है वो होना चाहिए। कौन? देखिए अभी तो फिलहाल में नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार तो बहुत दिन से आ रहे हैं, अगले को भी मौका देना, इनको मिलना चाहिए। अभी तो तेजस्वी जी को मौका देना चाहिए, इनको मिलना चाहिए। रामकृपाल यादव जी के क्षेत्र में आप रहते हैं? नहीं देखिए, बात क्षेत्र से नहीं है, अभी वो उठे हुए हैं मुख्यमंत्री के लाइन से, बगल में उनको मान लें कि सब कोई देख रहा है कि हाँ तेजस्वी जी अभी मुख्यमंत्री के लायक जा रहे हैं, उनको बनाना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि नहीं रामकृपाल जी के मोहल्ले में है तो नहीं इनको नहीं उनको। रिपोर्ट जारी हो गया, 14% ज्यादा आबादी आप लोगों की है, क्या चाहते हैं अब आप लोग? मिलना चाहिए, आपका हिस्सेदारी जो होता है मिलना चाहिए। दूसरा बात है कि जो महागठबंधन जो बनी है उसमें जो हक होता है वो मिलना भी चाहिए। किस तरह का हक चाहते हैं? किस तरह के चाहते हैं? जो हम लोग का सीमा है, सीमा के अनुसार से मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री अब कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री तो होना चाहिए, देखिए अभी तो समय ही बताएगा, अभी तो हैं जो मुस्कुरा रहे हैं आप। मुस्कुरा नहीं रहे, सही सही बात सही। क्या तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए, खुलकर बोलते ना हैं, तो हम बोल ही रहे हैं खुल के, क्या कहे एक बार कहीं, ये तो नहीं कि रामकृपाल यादव के क्षेत्र में रहते हैं तो बोलने में थोड़ा हिचकिचा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सच बात तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी को मिलना चाहिए, और परिश्रम भी कर रहे हैं। काफ़ी लोगों से हमने बात की और साफ तौर पे कहना था इन लोगों का कि अब जो है इनकी हिस्सेदारी जो है वो पहले से जो इनकी डिमांड थी कि इनकी आबादी जो है अब सबसे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से इन्हें भी मौका मिलना चाहिए। और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की बात भी ये लोग कह रहे हैं कि अब मौका तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।